नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि आयुर्वेद क्या है। ठीक है, आयुर्वेद वो वेद है जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाए। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। ठीक है, आयु मीन्स लाइफ। आयुर्वेद ये मानता है कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जीवन है। ओके, ये शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये इन पंच महाभूतों से शरीर बना है और ब्रह्मांड में जो कुछ भी है इनसे ही मिलकर बना है। ठीक है, ये मेन एलिमेंट्स हैं पंच महाभूत जिनसे ये शरीर बना है। सब कुछ बना है ब्रह्मांड का पंच महाभूत से। ओके, अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद क्यों पढ़ते हैं या क्यों हम आयुर्वेद के बारे में देखते हैं? आयुर्वेद वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम विकारम प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार हो चुके हैं उनके बीमारी को दूर करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का गोल है। क्या है? जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ ही रखना, वो बीमार ना होने पाए, और जो बीमार हो चुके हैं उनके बीमारी को दूर करना, यही आयुर्वेद का एम है और प्रयोजन है। ओके, अब आयु कितने प्रकार, क्योंकि स्टडी ऑफ लाइफ है, साइंस ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ लाइफ है। ओके, तो आयु चार प्रकार की बताई गई हैं। हित आयु, ठीक है, हित आयु जो जीवन के अनुकूल हो। ठीक है, जिस तरह हम जी रहे हैं, किसी भी जीव का है जो जीवन के अनुकूल हो उसे हित आयु कहते हैं। अहित आयु प्रतिकूल हो जीवन के। सुख आयु जो स्वस्थ जीवन होता है उसे सुख आयु कहा गया है, और दुख आयु होता है जो रोग की अवस्था में होता है। ओके, ये आयुर्वेद कहा है, अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए इतना ही आज समझते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कि दिनचर्या के बारे में, रात्रिचर्या के किस तरह आयुर्वेद स्वस्थ रहने के लिए कई सारे टिप्स बताए हैं, कई सारे नियम बताए हैं कि किस तरह जीवन को स्वस्थ रखा जाए, शरीर को स्वस्थ रखा जाए, क्या क्या करने से हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी। अगले आने वाले लेक्चर्स वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा, अगले वीडियो में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।